कुछ भी करके ना भूत को उनके सर से भगाइए। ये सब तो आज के स्वाट आए, वीडियो में सारे लड़के लड़की बन रहे। हमेशा हाथ पकड़ कर चलेंगे, कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगस्त से आ रही है पास के सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स, जिसमें पहले 7 दिन लकी ड्रॉ से हर शो में भाग्यशाली जीतेंगे 3 कीमती उपहार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप इतना कीमती समय हमारे लिए दे रहे हैं। फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स हमारे देश का जो मूल भारत है, ग्रामीण भारत, उसकी सांस्कृतिक धरोहर और प्रतिष्ठा को उजागर करती हुई एक फिल्म है, जो कि 5 कहानियां हैं अलग अलग, और 5 कहानियों को हमने एक फिल्म के रूप में परोया है। तो 5 कहानियां हमने चंदेरी में शूट की हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। पहाड़ उसके बीच घिरी हुई नगरी चंदेरी, ये वही नगरी है चंदेरी जो इसमें महाभारत काल में शिशुपाल की नगरी के रूप में जिक्र किया जाता है, और बुंदेलखंड का इलाका है। इस फिल्म को हम ये चाहते हैं कि जिससे बुंदेलखंड का टूरिज्म और वहाँ पर वहाँ की लोकेशन है सब इंडस्ट्री को भी पता चले और वहाँ पर और भी फिल्में जाएं, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और बाकी ये 5 कहानियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म, इसमें इंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। और बाकी बस इतना ही बोल सकता हूं मैं कि आप लोगों को ये फिल्म देखने के बाद बहुत ही मजा आए। शाला जी को चाहेंगे कि वो अपने किरदार और फिल्म के बारे में हमें बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना इंतजार किया यहाँ पे आकर। ये फिल्म जैसे कि संजय जी ने सब कुछ बताई दिया कि भारतीय परिवेश के ऊपर है, और मैं तो इतना मानता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी थी और वो हम लोगों के जहन में हर किसी के लिए है, लेकिन आज के बच्चे मुझे नहीं लगता है शायद पंचतंत्र की सुना हो उन्होंने। तो हमारी जो पंचकृति है वो बिल्कुल उससे एकदम भिन्न, एक नया समावेश, एक नया परिवेश के रूप में इसको दिखाया है सुनील जी ने, और इसमें 5 कहानियाँ हैं बिल्कुल अलग अलग तरह से। तो जिस तरह के हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, या जैसे मैं कह चुका हूँ कि मेरा मेरी जो पैदाइश है वो उत्तराखंड की है, लेकिन मैं रहा मथुरा हूँ, और उस वाले मथुरा है जो कि बिल्कुल शुरुआती दौर में मथुरा वृंदावन जिस तरह से हुआ करता था, तो धीरे 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 करके सारी जगह क्राउडी हो गए भीड़ बाहर, लेकिन वो एक हलचल जिस वक्त हुआ करती थी, और उस वक्त जो ग्रामीण अंचल जिस स्थिति को हम लोगों ने देखा हुआ है वो आज के बच्चों ने नहीं देखा उसको। तो उस जमाने की, उस वक्त की वो जो धरोहर है, वो जो कहानियाँ हैं, वो आज के नाना नानी सुनाते हैं वो कहानियाँ, लेकिन बच्चों के पास वो वक्त नहीं होता, पुस्तकें पढ़ने का वक्त नहीं होता उस तरह से कहानियों को देखने का, पर देख लेते हैं। तो प्रयास किया है, कोशिश की है कि इस तरह की कहानियाँ हम बना करके उसको दिखा सकें, और चाहे उसमें अंधविश्वास हो, चाहे उसमें आपका जितनी भी भ्रमित करने वाली जो हमारे यहाँ जो कहानियों में रहता है, जिस तरह से भूत प्रेत, उन सबका एक बहुत ही सामाजिक और एंटरटेनिंग मिक्सचर है, जिसको देख के आपको मतलब मजा आएगा और खूब एंटरटेन होंगे और सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें मैंने एक कहानी है खोपड़ी, उसमें मैंने काम किया है, उसको बहुत आनंद आया है, चंदेरी में हमने शूट किया उसको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, और शुक्रिया हमारे डायरेक्टर सर का कि जो उन्होंने इतना अच्छा कुछ बनाने का सोचा,
मतलब मैं तो अभी इतनी बड़ी हुई हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है कि एक साथ एक बड़ी स्क्रीन पे 5 डिफरेंट टाइप की स्टोरीज हम लोग बैठ के देख सकते हैं। और सारी ही स्टोरीज मतलब ऐसी है कि वो सब कुछ ना कुछ आपको कहना चाह रही है, और सब कुछ आपके दिल से बहुत ज्यादा आपको लगेगा अरे हाँ ऐसा कुछ हमने कभी सुना है, ऐसा कुछ होता तो था। और रही बात तो मेरी कहानी की जो मैंने जिसमें प्ले किया है, मेरे किरदार का नाम है रजनी और मेरी कहानी का नाम है परछाई। सो रजनी ऐसी लड़की है जो एकदम अल्हड़ और बहुत नाजो से पली है, इकलौती लड़की अपने माँ बाप की, और जिसमें मेरे ऑपोजिट में है सागर जी। तो सागर को ही मतलब जो है मुझसे मोहब्बत होती है, और मैं कैसे इनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ वो सारी चीजें हैं आप लोग देखेंगे। और डेफिनेटली सबसे पहली चीज तो ये कि बैठने के बाद हम लोग बोर नहीं होने वाले, कि एक एक स्टोरी खत्म हुई तो हमको पता भी नहीं चलेगा। अभी आजकल ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं कोई भी कहानी तो हमको पता रहता है कि हाँ अभी इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद भी हाँ ऐसा होगा, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं और लेकिन बाद में वही होता है। लेकिन हमारी स्टोरी में आप देखेंगे तो आपका आपके अंदर की जो उत्सुकता है वो बढ़ती ही जाएगी कि हाँ अभी ऐसा कुछ हो सकता है, अरे ये तो हो गया ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। सो बस यही है कि आप सभी लोग बहुत सारा प्यार दें इस स्टोरी को, और थैंक यू सो मच। अंधविश्वास है जो अभी भी रूरल इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होगा, और मानते भी है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो इंडिया में जो केसेस है वो तो यही है, अभी पुराने इतने सालों से सेम केसेस चल रहे हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो गया, सुपरस्टिशन, फीमेल फेटिसाइड, वुमेन को हमेशा नीचे रखा जाता है मेन से। तो हमारे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन संजय सर ने जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को दिखाया है सिनेमा में इज वे टू डिफरेंट। एंड मेरी स्टोरी विल बी अलॉट मिस्टीरियस बिकॉज मैं एक लड़की हूँ जो सुपरस्टिशन जो सारे गाँव में लोग मानते हैं वो मैं नहीं मानती, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा। तो मिस्टीरियस है, एंड तक तो देखना बनता है। हमारे साथ एक बाल कलाकार भी हैं, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प। तो मेरी मूवी का नाम है चपेटा, जिसमें मेरा कैरेक्टर सखी है, और मैं फ्यूचर से आई हूँ, और मैं एक मैसेज देने आई हूँ कि जो गर्ल्स को पीछे रखा जा रहा है तो उसको उनको आगे रखा जाए। तो फ्यूचर से मैं ऐसे आई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ कोई गर्ल नहीं है खेलने के लिए, तो मैं आती हूँ और सारे बॉयज को गर्ल्स बना देती हूँ और वापस ले जाती हूँ। तो बाकी आप मूवी देखिएगा। इस तरह के विषय की अपनी तरह का बहुत ही अलग सिनेमा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में आगे? सबसे पहले तो हमारे मीडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया तो अनादि काल से वैदिक काल से चली आ रही है, हमारे नारद मुनि उसी का प्रमाण है, और आप सबके होते हुए मतलब आपके बिना कोई भी सिनेमा बन ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। तो आप सबका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक नए कदम को, एक नए प्रयास को, एक नए इनोवेशन को आप सबने सराहा और आप सबका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कहानी के विषय में मैं कहूंगी कि जब हमने फिल्म बनाने का सोचा तो ऐसी कहानियां हम ढूंढ रहे थे जिसमें हम भारतीय संस्कृति, कल्चर और एक मैसेज दे सके। मैसेज इस तरह का ना हो कि जो लोगों को बोरिंग लगे, मैसेज है हमारे लाइफ की रियलिटी। ये जो 5 कहानियां हैं ये उसी से रिलेटेड थी, ये 5 कहानियां आज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा है। चाहे हर आदमी आज शहरों को बसा दिया है गाँव से आकर के, ये शहर ऐसे ही बसे हैं, सारे गांव से लोग आए हैं, उन्हें शहर बना दिए, तो हमारी जड़ें गांव में ही बसती हैं कहीं ना कहीं। दूसरा होता है कि आज वुमेन के लिए एक महिला निर्माता होने के तौर पे मेरी जिम्मेदारी भी थी, नैतिक तौर पे भी, और मेरी खुद की भी चॉइस थी कि मैं जब भी कुछ बनाऊं तो महिलाओं को उसमें एक प्रमुख भूमिका मिले। उनकी तरफ से जो संदेश अभी तक छूट गए हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत फिल्में आई हैं जो महिलाओं के विषय पे हैं, उनके बारे में हैं, तो कुछ संदेश हैं जो शायद बहुत छोटे हैं, जिनको किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, उनको लगा ये कोई और बनाएगा, तो वो हमने बना दिए हैं।
तो उसमें वो संदेश है कि कैसे बच्चियों के बारे में है, कैसे महिला की भूमिका होती है परिवार में, कैसे वो संस्कार और संस्कृति को आगे तक ले जाती है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमारी तीन कहानियां हैं वो वुमेन सेंट्रिक हैं, और दो कहानी है वो एक में बहुत ही इंटेंस लव के बारे में है। हमने इस तरह से दर्शाया है कि लव का मतलब जो आजकल के समय में हम जी रहे हैं वो नहीं है, लव का मतलब है दो सोल का कनेक्शन होना, और ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो हमारी कहानी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि प्यार जो है ना तो वो मरने पे खत्म होता है और ना ही किसी और वजह से। तो ये पांचों कहानियां इतनी इंटरटेनिंग हैं कि आप सबको और हमारे दर्शकों को सबको बहुत मजा आएगा। इट्स अ फुल कमर्शियल मूवी जिसमें म्यूजिक, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब कुछ बेहतरीन है। और लास्ट में नॉट लीस्ट बट हमारी फिल्म का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो तीन साल हम लोगों ने कोरोना कोविड को बहुत जीता है, और उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री में कोई भी क्षेत्र हो सब में रिसेशन आया है, सब में घाटा हुआ है लोगों को। तो जब कोविड के बाद हमने इस फिल्म का निर्माण शुरू किया था तो हमने ये सोचा कि जब इस फिल्म को हम पर्दे पर लाएं तो क्यों ना ऐसा कुछ एक बनाया जाए प्लान जिसमें हर इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हो और हर इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले, उसको फायदा हो और हमारे न्यू टैलेंट को भी प्रमोशन मिले। तो इसमें हमने एक स्कीम रखी कि जिसमें तीन लकी विजेताओं को प्रत्येक शो में इनाम मिलेगा, जो भी भाग्यशाली विजेता होंगे उनको उसमें पुरस्कार मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हमने ये स्कीम लाए तो इसके साथ में हमारा विचार था कि कोविड के बाद और सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद और सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद हमारे जो थिएटर हैं और दर्शकों और थिएटर के बीच में एक कनेक्शन जो है वो टूट गया है। दर्शक आज घर में बैठकर भी देखना पसंद करते हैं, थिएटर जाना नहीं करते हैं, ज्यादातर अवॉइड करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस फिल्म से दर्शकों का जो रिश्ता सिंगल थिएटर्स के साथ या मल्टीप्लेक्स के साथ था वो वापस से वैसा ही हो जाए, उनका वो कनेक्शन जो है वो वापस से जुड़ जाए, दर्शक फिर से थिएटर में जाकर फिल्म देखें अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ। हम सबने देखा है कि फिल्म देखना एक फेस्टिवल जैसा होता था पहले, सारे लोग मिलकर जाते थे, प्लान करते थे कि फिल्म देखने जा रहे हैं। आज क्या हो गया है, जैसे आप मॉल में गए और ऐसे ही घूम रहे हैं और फिल्म देखी, तो वो एक जो भावना थी, एक उत्साह था, एक फेस्टिवल की तरह था, तो वो हमने रीजनरेट करने की कोशिश की है और इसीलिए हमने ये स्कीम रखी है। साथ में हमने अपने दर्शकों को भी नहीं अवॉइड किया है, हमने सोचा है कि जिस तरह से हमारा मैसेज ग्रामीण भारत को मद्देनजर रख करके है, उसी तरह से सारे जो गिफ्ट्स हैं, हमारा थिएटर है, हमारी सिनेमा है, हमारी मूवी है, वो गांव के हर उस एक आखिरी आदमी तक पहुंचे जिसको हम ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये गिफ्ट की वजह से दर्शकों को ऐसा ना लगे कि हम कोई गिफ्ट बांट रहे हैं, ये हमारी तरफ से ओपन विजन की तरफ से एक वेलकम है आफ्टर दैट टेरिफिक कोविड पीरियड, कि सारे लोग वापस से थिएटर आए और मूवी को एंजॉय करें। इसमें हमने इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे सारे वेंडर्स जिनसे हमने ये सारे गिफ्ट्स लिए हैं उनको कनेक्ट किया है, सिंगल थिएटर को कनेक्ट किया है, और ऐसी जगह को चुना है हमने फिल्म के लिए जहाँ पर कि जहाँ अवॉइड किया जाता है, जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है अभी, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, वो सबको मद्देनजर रखते हुए हमने सबको एक साथ एक मंच पे लाने की कोशिश की है। और उन विजन का ये प्रयास है कि सारे लोग एक साथ आए और इस फिल्म को एंजॉय भी करें, देखें भी, और साथ में हम सबको प्रोत्साहन मिले, न्यू टैलेंट को प्रोत्साहन मिले। हमारी मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि स्टार्टअप इनोवेशन इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, तो ओवन विजन ने इसका पूरा ख्याल रखा है। बॉलीवुड में किस तरह के स्टार्टअप की जरूरत है, किस तरह से न्यू टैलेंट को प्रमोट करने की जरूरत है, उसका हमने पूरा ख्याल रखा है और हमने कोशिश की है कि ये हमारी कोशिश सफल हो, आप सबका सहयोग हो, आप सबको पसंद आए। धन्यवाद। शुक्रिया अनुप्रिया जी। और क्वेश्चन डायरेक्टर सर से है, असल में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताई जो फिल्म है वुमेन एम्पावरमेंट पर शो की जा रही है, लेकिन ऐसी कई सारी और भी फिल्में हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, बेटी बचाओ, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी काम कर रही है, ऑलरेडी स्कीम्स हैं,
तो इस फिल्म में ऐसा क्या हमको खास देखने के लिए मिलेगा जिससे जो जनता है वो जागरूक होगी? इस फिल्म में खास देखने के लिए तो आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट है, जो मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है और पब्लिक अभी तक नहीं समझ पाई है कि वो क्यों जरूरी है, हमें लड़कियों को बचाना या वुमेन एम्पावरमेंट का क्यों जरूरी है, क्या है वो, उसके लिए आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा। हेलो, सवाल है कि आप मद्रास से बिलोंग करते हैं तो आपको बुंदेलखंडी भाषा सीखने में कितना समय लगा? दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हमें शुरू से ट्रेलर भी देखना कि आप खोपड़ी से भूत दिखाने का काम करें तो आप कितना विश्वास करते हैं भूतों पर? मैं मथुरा में बिलोंग, मतलब मैंने बताया कि मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है और मेरी एजुकेशन थिएटर एक्टरी सारी बचपन पूरा मथुरा में रहा। एक्चुअली जो बुंदेलखंडी क्या मतलब ये तो जिसे कहते हैं एमपी का ये जो सारा हिस्सा है उसमें कहने की ब्रज का इन्वॉल्वमेंट है, वो जो लैंग्वेज का जो टोन है ना तो वो ये है कि मतलब कि का है ऐसे थोड़ी होता है, तो वो टोनल जो है वो करीब करीब उसी उसी तरीके से, तो उसमें मतलब बिल्कुल इतनी दिक्कत इतनी परेशानी सुनो नहीं है। और कैरेक्टर मेरा एक पंडित का था तो वो भी मतलब सेक्रेटेरी था अपने आप, तो उसको कैसे क्या कैसे करके बोल करके फिर संजय भाई के साथ मिल बात करके उसको और एंटरटेन करा। आप देखोगे तो आपको कैसे भी लगेगा कि ये मतलब कहानी का किरदार कहीं से मतलब अलग तरह का है, तो आशा का नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जैसे पांची तो मतलब वो मुरैना की लैंग्वेज यूज करती है, वो बहुत ब्रज का जो है ये सब करीब करीब जिसे कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन के सब, तो भाषा बदलते बदलते रह जाती है वहाँ, तो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसका असर होता है, तो ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल प्योर एकदम ऐसी वाली लैंग्वेज है कि लोगों में बिल्कुल पढ़ने ना पड़े, उसको थोड़ा सा एक दोनों एक सहज तरीके से बोलने की कोशिश। चल रहा है तो वो तो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत डीपली लव है, मतलब मैं भी देखने के बाद हमने जब सुना देखा तो लिटरली ऐसा था कि मतलब रोंगटे खड़े होने वाली स्टोरी है, आप लोग जब देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे साथ नहीं है, बट मैं भी तब भी मैं उसके साथ उसको अपना मान चुकी हूँ और मैं हमेशा उसके साथ ही चलने वाली हूँ लाइफ टाइम। नहीं कितने मैसेज की बात करें तो मैसेज क्या देती है फिल्म? हर स्टोरी अपना एक अलग अलग मैसेज दे रही है, तो मैं अपने अपनी स्टोरी के बारे में ही बता पाऊंगी क्योंकि मैंने जो मेरी स्टोरी की है तो मेरी स्टोरी तो ये मैसेज देती है कि आप प्यार खाली ये नहीं है कि आप एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे के साथ रहना, प्यार एकदम बहुत आत्मा से आता है।